हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अपने दोनों बच्चों के साथ होनोलुलु में 3 साल गुजारने के बाद एन स्टैनले इंडोनेशिया वापस आई ताकि रिसर्च आगे जारी रख सकें। इस बीच उन्हें अच्छे पद पर नौकरी भी मिली। ओबामा का घर बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों का एक सेंटर बन गया था। गरीबों और स्त्रियों के लिए एन दिल से काम कर रही थी। इंडोनेशिया में वो गरीब लोगों के लिए काम कर रही थी, जबकि इसी समय शिकागो में ओबामा भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे थे। इन सब के बावजूद अपने दोनों बच्चों की बेहतर एजुकेशन उनका पहला मकसद था। आखिरकार ओबामा की मां ने एन ने अपना रिसर्च पूरा किया। कड़ी मेहनत ने उनके सेहत पे बहुत बुरा असर डाला। 1994 में जकार्ता में किसी दोस्त के घर हुई डिनर पार्टी में उन्हें अचानक पेट में दर्द उठा। हवाई अमेरिका लौटने के कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर था। 52 साल की उम्र में 1995 में उनकी मृत्यु हो गई। बराक ओबामा की मां एन अपने समय से बहुत आगे थी। वो निडर थी, आत्मनिर्भर थी और महत्वाकांक्षी खूबसूरत स्त्री थी। उन्होंने उस जमाने में सीनियर ओबामा से शादी की जो ब्लैक थे। मां होने की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने अकेले निभाई और पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री की क्षमताओं को काबिले तारीफ ढंग से पेश किया। बगैर किसी शिकायत के, निराशा के, घोर अंधकार से उबर कर उन्होंने रोशनी का एक संसार रचा। इसीलिए बराक ओबामा की मां एन अनुकरणीय है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर खुद संसार के हर मनुष्य की देखभाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मां को बनाया। मां शब्द बेमिसाल है। आई, मां, मदर, माव, ये बेमिसाल शब्द हैं और संसार की हर भाषा में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। मदर्स डे पे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा एक लड़के के दिल की पुकार जो उसने लिखी अपनी मां को। वो लड़का अपनी मां से दूर चला गया है काम के लिए और उसने लिखा है, मैं दिन भर कितनी भी शरारतें करता, फिर भी मुझे थपथपाए बगैर मां कभी सोई नहीं। मैं दिन भर कितनी भी शरारतें करता, फिर भी मुझे थपथपाए बगैर मां कभी सोई नहीं। शायद इसीलिए अभी घर से मीलों दूर मैं चैन से कभी सो नहीं पाया। कभी कोई पूछता है, क्या तुम्हारा घर जाने को मन नहीं करता? कैसे बताऊं उन्हें, जब तुम मुझे सीने से लगाती थी तब तुम्हारी बाहों से निकलने को जी नहीं करता था। कैसे बताऊं उन्हें, जब तुम मुझे सीने से लगाती थी तब तुम्हारी बाहों से निकलने को जी नहीं करता था। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम मुझे हमेशा याद करती हो। हालांकि अब तुम्हें मेरे लिए लंच बॉक्स नहीं बनाना पड़ता, फिर भी तुम सुबह 6 बजे नींद से जाग जाती हो। तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारे हाथ की रोटी, तुम्हारे हाथ की मेरी नापसंद सब्जी भी खाने को अब जुबान तरसती है। घर से मीलों दूर मां, दुनिया बिल्कुल अलग है। तुम्हारी छाओं में मैं बिल्कुल महफूज था, निश्चिंत था। अब तो सब कुछ चिलचिलाती धूप है। मां, तूने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। एक दिन बच्चों ने कहा, मां अब हमें जाना होगा, और तुमने उन्हें जाने दिया। मां तुम यहां नहीं हो, बाकी मेरे पास सब कुछ है। मां तुम यहां नहीं हो, बाकी मेरे पास सब कुछ है। घर से मीलों दूर दुनिया बिल्कुल अलग है। मां तुम यहां नहीं हो, बाकी
मेरे पास सब कुछ है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक मां ने ये खूबसूरत कविता लिखी है बच्चों के घर में, और इस तरह की कविता एक मां ही लिख सकती है। कविता यूं है, बच्चों के घर में हमेशा होता है चिड़ियों का घोंसला, मिट्ठू का पिंजरा, गुड्डे गुड़िया के लिए नरम नरम बिस्तर। उनके दूध में होता है म्याऊं म्याऊं का हिस्सा, लंच बॉक्स में टॉमी का साझा, झूठ मूठ का झगड़ा, सच्चाई से भी सच्चा प्यार। सख्त जमीन पे भी वो सो जाते हैं सुख की नींद, और देखते हैं सपने तितली की तरह उड़ने के, हिरन बन दौड़ने के, मछली की मानिंद तैरने के। बड़े घर के कोने में बसा उनका ये छोटा सा घर हमेशा खींचता है मुझे अपनी ओर। मेरा घर बहुत बड़ा है, उसमें है टीवी, फ्रिज, कूलर, बेड, सोफा सेट, यानी वो सब कुछ जिसे कहा जाता है सुख का सामान। बस नहीं है तो सुख की नींद, सपने खुले आकाश में उड़ने के, गहरे समंदर में तैरने के। मैं खरीदना चाहता हूं बच्चों का ये छोटा सा घर। मेरी जेब में है बहुत सारे पैसे, पर बच्चे कीमत मांगते हैं, महज प्यार जो मेरी जेब में नहीं। पर बच्चे कीमत मांगते हैं, महज प्यार जो मेरी जेब में नहीं। बच्चे हंसते हैं, कहते हैं, आप इतना भी नहीं जानते कि प्यार जेब में नहीं होता। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, वो बूढ़ी भिखारन पोस्ट ऑफिस में लेटी रहती थी। पोस्ट ऑफिस में घुसने से पहले पीसीओ के पास ही मुझे उसके गंदे कपड़ों की बदबू आ जाती थी। जब पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता था तो वो फुटपाथ लेट जाती थी। एक दिन हमारे घर पे एक पार्टी थी और बहुत सारा खाना बच गया था। मैं खाना पैक करके कार से पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। वो रात काफी सर्द थी, पत्तियां सड़क पे उड़ रही थीं और आसपास बहुत कम लोग थे। सिर्फ वही लोग वहां नजर आ रहे थे जिनका कोई घर या आसरा नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि बूढ़ी भिखारिन मुझे मिल जाएगी। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो वो हमेशा पहनती थी। उसका बूढ़ा और झुका हुआ शरीर कपड़ों की परतों में छुपा हुआ था। वो पोस्ट ऑफिस के पास वाले खेल के मैदान के सामने पेड़ के नीचे बैठी थी। मैंने सोचा, वो कोई ऐसी जगह क्यों नहीं चुन लेती जहां उसे हवा कम लगे। फिर मैंने सोचा कि वो शायद इतनी पागल होगी कि किसी दरवाजे के पास जाकर हवा से बचने का उपाय उसके दिमाग में आया ही नहीं होगा। मैंने अपनी चमचमाती कार सड़क के किनारे खड़ी की, खिड़की खोली और कहा, अम्मा क्या आप? मैं सदमे में आ गया। मैंने उसे अम्मा क्यों कहा, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे ऐसी ही लगी। मैंने एक बार फिर कहा, अम्मा मैं आपके लिए कुछ खाना लाया हूं, क्या आप केक और चिकन खाना चाहेंगी? ये सुनकर बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा, फिर उसके नीचे के दो दांत हिले और वो बहुत स्पष्टता से बोली, ओ बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है। तुम इसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को क्यों नहीं देते? उसके शब्द स्पष्ट थे और उसका व्यवहार गरिमापूर्ण था, डिग्निफाइड था। फिर उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। उसने अपना सर एक बार फिर अपने चिथड़ों में छुपा लिया। हम बातें कर रहे हैं दिल से।
मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आप सबको अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कविता सुना रहा था, मां। उस कविता का दूसरा हिस्सा। रोज बालकनी में खड़ा होकर एक बच्ची को स्कूल जाते देखता हूं। पोनी टेल किए वो सुंदर लड़की बड़े अंदाज से मटक मटक कर चलती है। उसकी मां कंधे पे बैग डाले, दूसरे कंधे पे पानी की बोतल लटकाए साथ साथ चलती है, उसकी उंगली पकड़े। रोज बालकनी में खड़ा होकर देखता हूं किस लगन से, किस प्यार से उस लड़की की मां उसका बैग उठाए, उसकी बोतल उठाए, उसकी उंगली पकड़े हर रोज स्कूल छोड़ने जाती है। गर्मी के दिनों में छतरी के नीचे छांव में रखती है लड़की को, खुद धूप में चलती है। बरसात में उसे छतरी के नीचे रखती है ताकि वो भीगे नहीं, बीमार न हो जाए, खुद भीगती रहती है। रोज बालकनी में खड़ा होकर देखता हूं किस लगन से लड़की को पढ़ा रही है एक अच्छी बेटी बनाने के लिए, बाप की दुलारी बनाने के लिए, बड़ी होकर एक सुंदर युवती बनाने के लिए। और मैं बालकनी में खड़ा होकर ये सोचता हूं, एक दिन इसकी शादी हो जाएगी, एक दिन इसकी शादी हो जाएगी। मां की आंखों में क्या मां इस दिन के लिए इसे स्कूल ले जाती है, इसका बैग उठाती है, उसकी बोतल कंधे पे लटकाती है, इसे बारिश से बचाती है, खुद भीगती है, खुद धूप में चलती है, इसे छतरी में रखती है कि एक दिन जवान होकर इसे छोड़कर चली जाएगी अपनी दुनिया बसाने, मां फिर अकेली रह जाएगी, मां फिर अकेली रह जाएगी। मैं बालकनी में खड़ा होकर सोचता हूं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। मृदंग वादक की मां का देहांत हो जाता है, वो निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है, और उसे लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। और फिर एक दिन उसे लगता है कि अब उसे अपने दुख से बाहर निकलना चाहिए। वो मृदंग उठाता है और जंगल में जाकर बजाने लगता है, अपने मन का सारा दुख, अपने मन का सारा दर्द मृदंग की धुन में पिरो देता है। वो मृदंग की धुन से अपने गम का इजहार करता है। उसे दूर कहीं एक मृग छौना, हिरन का एक नन्हा सा बछड़ा दिखाई देता है। जब वो मृदंग बजाना बंद कर देता है तो वो मृग छौना वहां से चले जाता है। दूसरे दिन वो लड़का फिर उसी जगह पे मृदंग बजाने लगता है, तब वही मृग छौना उसे थोड़ा करीब नजर आता है। मृदंग वादन बंद होने पे मृग छौना वहां से फिर चले जाता है। तीसरे दिन वो लड़का फिर उसी जगह पे मृदंग बजाने लगता है और फिर उसे वही मृग छौना और करीब नजर आता है, और ज्यादा करीब। मृदंग वादक लड़के ने उस मृग छौने की आंखों में गौर से देखा उसे वहां। तभी लड़के ने उस मृग छौने से पूछा, क्या तुम्हें मेरा दुख दिखाई दिया? मेरे मृदंग वादन से तुम्हें मेरे दिल का दर्द समझ में आ गया? नन्हे से मृग छौने ने कहा, मुझे तुम्हारे मृदंग वादन से कुछ नहीं समझता, तुम्हारे मन की कोई बात नहीं समझती, तुम्हारा दुख भी मैं नहीं समझा, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती, मुझे सिर्फ एक बात पता है, सिर्फ एक बात, तुम जो मृदंग बजाते हो वो मृदंग मेरी मां की चमड़ी से बना है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर खुद संसार के हर मनुष्य की देखभाल नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने मां को बनाया। मां ये शब्द बेमिसाल है, मां, आई, मदर, मां, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन
सबसे दिल के करीब लफ्ज हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक मृदंग वादक रहता था। राज दरबार में वो मृदंग बजाता था। राजा महाराजा राजकुमार उसका मृदंग वादन सुनकर प्रसन्न होते और हीरे मोती जवाहरात के इनाम देकर उसे मालामाल कर देते थे। मृदंग वादक अपनी मां के साथ जंगल में रहता था। अपने बेटे की मृदंग वादन कला पे मां को बहुत नाज था। उसे अपने बेटे पे फख्र था। अचानक एक दिन मां बीमार पड़ जाती है और कुछ ही दिनों में मां का देहांत हो जाता है। मां के मरने के बाद उसका बेटा मृदंग वादक अकेला हो जाता है, अनाथ हो जाता है। उसे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रहती। वो बहुत मायूस रहने लगता है। वो इतना मायूस हो जाता है, इतना निराश हो जाता है कि जिंदगी जीने की उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और फिर एक दिन उसे लगता है कि अब उसे अपने दुख से बाहर निकलना चाहिए। इसके बाद ये लड़का, ये मृदंग वादक क्या करता है मैं बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बच्चा जब अपनी मां से दूर जाता है तब उसके मन की हालत क्या होती है, ये एक बेटे ने अपनी मां को इस कविता के जरिए एक्सप्रेस किया है। बेटा लिखता है, मैं दिन भर कितनी भी शरारतें करता, फिर भी मुझे थपथपाए बगैर मां कभी सोई नहीं। मैं दिन भर कितनी भी शरारतें करता, फिर भी मुझे थपथपाए बगैर मां कभी सोई नहीं। शायद इसीलिए अभी घर से मीलों दूर मैं चैन से कभी सो नहीं पाया। कभी कोई पूछता है, क्या तुम्हारा घर जाने को मन नहीं करता? कैसे बताऊं उन्हें, जब तुम मुझे सीने से लगाती थी तब तुम्हारी बाहों से निकलने को जी नहीं करता था। मां, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम मुझे हमेशा याद करती हो, हालांकि अब तुम्हें मेरे लिए लंच बॉक्स नहीं बनाना पड़ता। फिर भी तुम सुबह 6 बजे नींद से जाग जाती हो। तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारे हाथ की रोटी, तुम्हारे हाथ की मेरी नापसंद सब्जी भी खाने को अब जबान तरस गई है। घर से मीलों दूर मां, दुनिया बिल्कुल अलग है। तुम्हारी छांव में मैं बिल्कुल महफूज था, निश्चिंत था। अब तो सब कुछ चिल चिलाती धूप है। तूने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया मां। एक दिन बच्चों ने कहा, मां अब हमें जाना होगा, और तूने उन्हें जाने दिया। मां, तुम यहां नहीं हो, बाकी मेरे पास सब कुछ है। घर से मीलों दूर दुनिया बिल्कुल अलग है। मां, तुम यहां नहीं हो, बाकी मेरे पास सब कुछ है। दोस्तों, मां के इस बुलंद रिश्ते को प्रणाम करते हुए